Hello students, welcome to BBVN online classes. And in our previous video session, we were reading the grammar topic, that is reported speech. So in our previous video session, we have learned that how to change the pronoun while changing the sentence from direct sentence to an indirect speech sentence. We have learned that जो भी present के जितने भी forms हैं इंटेंसेस वो किस में चेंज हो जाते हैं, पास्ट में. लाइक सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाता है पास्ट सिंपल में, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. सो टुडे वी विल रीड दैट हाउ टू चेंज अ पास्ट सेंटेंस टू द विच काइंड ऑफ सेंटेंस. ओके, सो सिंपल पास्ट सेंटेंस जो है डायरेक्ट स्पीच में, अगर सिंपल पास्ट सेंटेंस दिया गया है तो उसे हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में. इट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म चेंज हो जाएगी हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और डिड नॉट चेंज हो जाएगा हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में. ओके, फिर आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. इट मीन्स वॉज वर जो है, अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस में यूज हुए हैं तो जब आप उसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करेंगे तब आप यूज करेंगे हैड प्लस बीन का. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कॉन्टिन्यूस दोनों हैं इसीलिए सेम चलेगी. देन जितने भी मॉडल्स होते हैं जैसे कैन रहते का, तो वो पास में चेंज होके कुड में हो जाएगा. ठीक है, मे जो है वो जब इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखा जाएगा तो पास में चेंज बन के माइट में चेंज हो जाएगा. इसी तरीके से विल शैल जो है वो वुड एंड शुड में चेंज हो जाएंगे. सो जो प्रेजेंट की फॉर्म रहेगी वो अल्टीमेटली जाके पास में चेंज हो जाएगी, और पास सिंपल जो है वो पास परफेक्ट में, पास कॉन्टिन्यूस जो है वो पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, कैन कुड में, मे माइट में, मस्ट जो है वो हैड नॉट में चेंज हो जाएगा. सो इस तरीके से हम जो है टेंस चेंज करते हैं डायरेक्ट सेंटेंस टू इनडायरेक्ट सेंटेंस. तो फर्स्ट हमने सीखा हाउ टू चेंज द प्रोनाउंस ऑफ डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस. सेकंड हमने सीखा टेंसेस किस तरीके से चेंज करते हैं, और फिर बात आती है एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस. एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस यानी कि वो वर्ड जो कि हमें टाइम और प्लेस जो है वो शो करते हैं. देखिए इसमें क्या करते हैं, जो नियरनेस होती है उसको हम डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. और इसके लिए सेट थिंग्स हैं कि अगर डायरेक्ट में आपके दिस वर्ड यूज़ हुआ है तो आप यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट में उसे चेंज करके दैट का. दिस चेंज हुआ है तो वो हो जाएगा दोज में चेंज. हियर हुआ है अगर, तो यहाँ पर जब हम इनडायरेक्ट में उसे चेंज करेंगे तो देयर आ जाएगा. फिर अगर टुमारो है, इट मीन्स आने वाले कल की बात हो रही है, तो जब हम इसी वर्ड को चेंज करके इनडायरेक्ट सेंटेंस में लिखेंगे तो उस टाइम पे हम लिखेंगे द नेक्स्ट डे. ठीक है, और अगर हम यही चीज़ यस्टरडे लिखते हैं हमारे इनडायरेक्ट सेंटेंस में तो हम इसे लिखेंगे द प्रीवियस डे. नाउ जो है एन ओ डब्ल्यू, नाउ वर्ड चेंज हो जाएगा देन में. इसी तरीके से हम जो है जो नियरनेस वाले वर्ड है इनडायरेक्ट स्पीच में जब सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हम उसे डिस्टेंस वाइज शो करते हैं. ओके, सो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल सो दैट इट विल बी क्लियर ऑल्सो इन योर माइंड कि किस तरीके से चीज़ें चेंज होती हैं. लाइकवाइज हमने पढ़ा है पास वाला सेंटेंस, तो वही करके देख लेते हैं. ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा द स्टार्ट आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे. ओके,
और इन्वर्टेड कॉमाज ऑल्सो क्लोज्ड. सो जब मैं इस सेंटेंस को पढ़ती हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पर वेंट है, इट मीन्स ये सिंपल पास्ट का टेंस है. तो मुझे इसको किस में चेंज करना होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में. ओके, सो ही, व्हेन आई एम चेंजिंग द डायरेक्ट सेंटेंस टू इनडायरेक्ट सेंटेंस टू आई विल राइट ही सेड, और दैट कंजक्शन में यूज करेंगे हम. आई आया है ही के लिए. ओके, यहाँ पर आई वर्ड जो है एज अ प्रोनाउन ये ही को रेफर हुआ है, सो हम लिखेंगे ही. वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, चेंज हो जाएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में. सो ही हैड गॉन टू मार्केट यस्टरडे का हम चेंज करेंगे द प्रीवियस डे. द प्रीवियस डे. सो व्हेन आई चेंज्ड द डायरेक्ट सेंटेंस टू इनडायरेक्ट सेंटेंस, मैंने चेंज किए हैं कंजक्शन. अगर यहाँ पर सेड टू होता तो हम लिखते टोल्ड, बट सेड ही दिया हुआ है तो हम सिर्फ सेड ही लिखेंगे. देन मैंने प्रोनाउन चेंज किया है, टेंस चेंज किया है, और जो मेरा यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है इसे भी मैंने चेंज किया है. सो इस तरीके से आप जो हैं डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउन, अगर आपको चेंज करना पता है तो, टेंस के अकॉर्डिंग, और जो भी एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस का जो भी नियरनेस वाले वर्ड दिए हैं आप उसमें डिस्टेंस शो करते हैं. देन हम बात करते हैं सेंटेंसेस की. सो जब हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं सो एट दैट टाइम वी नो दैट सेंटेंसेस होते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, देन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो वन बाय वन टाइप ऑफ सेंटेंस जितने भी हैं उनको चेंज करना सीखते हैं. फर्स्ट हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की. असर्टिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, एंड में फुल स्टॉप आता है तो हम इजीली उनको पहचान सकते हैं. अभी अभी जो मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया था दैट वाज आल्सो असर्टिव सेंटेंस. तो जब हम एक असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो फर्स्ट थिंग क्या होती है, ये सेड या फिर सेड टू को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं. सेकेंड थिंग आता है हमारा दैट कंजक्शन यूज़ किया जाता है जो भी असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनमें. थर्ड थिंग हमारी आती है प्रोनाउन चेंज. अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको प्रोनाउन चेंज करना होता है कि फर्स्ट पर्सन बोल रहा है या सेकेंड पर्सन के बारे में बात की जा रही है. एंड फोर्थ थिंग आती है टेंसेस अकॉर्डिंग टू द रूल हमें चेंज करने होते हैं. ठीक है, सो असर्टिव सेंटेंस हमने किया है. मूव ऑन करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस पे, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हैं वे सेंटेंस होते हैं जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस मेनली दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि आप क्वेश्चन करते टाइम पर हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट बाद में. लाइक आर यू गोइंग विद हिम, सो आर से मैंने अपना क्वेश्चन जो है वो पुट ऑन किया है, तो एक हो गया हेल्पिंग वर्ब वाला, और सेकेंड जो हम डब्ल्यू एच वर्ड से डब्ल्यू एच वर्ड की हेल्प से बनाते हैं, लाइक वॉट आर यू डूइंग. ओके, सो फर्स्ट थिंग इसमें चेंज करते हैं हम सैड या फिर सैड टू जो है उसे हम चेंज करते हैं आस्क्ड में. ओके, या फिर इंक्वायर्ड. सेकेंड इसका रूल, आप जैसे दैट यूज़ करते हैं जो हमारे हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस रहते हैं, यानी कि इज एम आर हो गया, वॉज वर हो गया, हैज हैव हो गया, विल शैल हो गया, अगर आप इनकी हेल्प से कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो आप इफ़ या फिर वेदर एज अ कंजक्शन यूज़ करते हैं. अदरवाइज जो डब्ल्यू एच वर्ड वाले हैं उनमें कोई कंजक्शन यूज़ नहीं किया जाता, जो डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा वो एज इट इज़ वहाँ पर लिखा जाएगा. ओके, थर्ड थिंग प्रोनाउन चेंज करते हैं, एंड फोर्थ थिंग अकॉर्डिंग टू द टेंसेस चेंज किए जाते हैं. सो दोनों का एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं. ही सेड टू मी,
ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज स्टार्ट आर यू गोइंग टू मार्केट क्वेश्चन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमाज ऑल्सो क्लोज्ड सो When I am going to change this sentence to indirect form, then सबसे पहले मुझे देखना है कि interrogative kind of sentence है first thing. Second thing, helping verb से ये शुरू हो रहा है. So I will write he asked me. Okay, asked या inquired आप दोनों लिख सकते हैं आपकी मर्जी जो भी आप choose करना चाहें. So I will write he asked me. Now, if or whether it is going to be your choice, I will choose if. If you जो है जब हम एक interrogative sentence को लिखते हैं तो helping verb पहले आती है और जो subject है वो बाद में आता है लेकिन जब आप एक assertive sentence लिखते हैं हमेशा उसमें subject पहले आता है और helping verb बाद में आती है तो हमें इसे change करना है full stop type sentence में it means assertive sentence में that is why मैं पहले इसमें से subject choose करूँगी तो you है You आया है मेरे लिए तो he asked me if I is a mar जो है वो change हो जाएगा was और were में और I के साथ हम use करते हैं was तो if I was going to market and in the end I will put the full stop सो इस तरीके से मेरा जो हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस है वो चेंज हो जाता है इन इनडायरेक्ट स्पीच में सेकंड हम बात करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंसेस की सो ही सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज स्टार्ट व्हाट आर यू doing question mark and inverted commas also closed so जब हम wh word वाले जो interrogative sentence है उसे change करते हैं तो first of all the same change said का asked में change हो जाएगा he asked her Now, conjunction जो है वो इसमें यूज नहीं होगा हम wh word as it is यहाँ पर लिख देते हैं तो what You आया है हर के लिए तो हर जो है उसको जब हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं प्रोनाउन में तो हम लिखेंगे शी वॉट शी वॉज डूइंग एंड इन द एंड फुल स्टॉप सो मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस बना ही आस्क्ड हर वॉट शी वॉज डूइंग ओके सो दीज आर द टू काइंड ऑफ सेंटेंसेज दैट वी लर्न टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच The third type of sentence is imperative sentence. Imperative sentence जो है वो किस तरीके के sentence होते हैं जिन्हें पढ़कर हमें ये लगता है कि इसमें किसी तरीके की advice की जा रही है command दिया जा रहा है request की जा रही है या order दिया जा रहा है या फिर so-so. ठीक है तो जो भी imperative sentence होते हैं उन्हें change करने का क्या रूल है तो इम्पेरेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस वी विल रीड इन लर्न इन आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन थैंक यू